नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नमन। आप देख रहे हैं एंड्रॉइड और यह है IQ Z6 44 वॉट उर्फ 4G वाला IQ Z6 और यह है Vivo T1 Snapdragon 680 वाला। दिख नहीं रहा क्या भाई? वो भी सेम ही फोन है यहाँ, मतलब रिश्ता वही सोच नहीं। जैसे IQ Z6 5G और Vivo T1 5G आए थे ना, सिमिलर फोन थे, वैसे ही Vivo T1 4G और ये IQ Z6 4G वाला है। सब कुछ समान है इसमें, आपको संभवतः पूरा समान अनुभव मिलेगा यहाँ पे, हार्डवेयर लेवल पे भी और सॉफ्टवेयर लेवल पे भी। हाँ, ये दोनों स्मार्टफोन 4G के साथ आते हैं, तो यहाँ पे आपको जिस भी ब्रांड का नाम अच्छा लगता हो, सेक्सी लगता हो, उस ब्रांड को चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं, Vivo या फिर IQ। वैसे आप क्या चुनेंगे आप टिप्पणी के माध्यम से बता सकते हैं हमें, परंतु हमारी वीडियोस तो अच्छी लगती होंगी आपको, और यदि अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वैसे IQ Z6 44 वॉट की क्या USPs हैं, विशेषताएं हैं, थोड़ा उनकी बात कर लेते हैं। नहीं, लाइक करने के लिए नहीं बोला ना, भूल गया, 2000 लाइक्स बस। देखिए, अंडर 15,000 जो भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं 4G वाले, वहां पे आपको अच्छी विशेषताएं देखने को मिल जाती हैं, अच्छी स्पेक्स देखने को मिल जाती हैं, यदि हम उनकी तुलना 15,000 रुपए मूल्य पे आने वाले 5G स्मार्टफोन से करते हैं तो। और हर ब्रांड के हर स्मार्टफोन की ना कुछ अपनी विशेष बातें हैं, कुछ USPs हैं। जैसे ये Redmi Note 11 है, इसी मूल्य पे आता है और प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के हिसाब से ये फोन अच्छा है। AMOLED डिस्प्ले इसमें मिलती है, कॉम्पैक्ट फोन है, बढ़िया बैटरी है और डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं। और ये मोटो का G52 अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था और इस वाले स्मार्टफोन ने भी भाई तगड़े से आश्चर्यचकित किया था हम सभी को। इसकी वीडियोस भी दी हैं, चैनल पे उपलब्ध हैं, यदि आप चाहें तो देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के पश्चात। AMOLED डिस्प्ले और डुअल स्पीकर दिया गया था, साथ में कुछ और भी विशेष बातें हैं इसमें। फीचर पैक्ड फोन लगा मुझे इस मूल्य पे, उसके पश्चात ये वाला फोन आ गया। अब इन तीनों स्मार्टफोन में क्या कॉमन है भाई, स्नैपड्रैगन का 680 चिपसेट मिल जाता है आपको, इसकी बात आगे करेंगे भी। इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं ना, तो ये वाला फोन जो प्राइस किया गया ना, 4128 बेस वेरियंट है इसका 13,999 से, 6128 से 15,499, 8128 से 16,999 रुपए। दो रंगों में उपलब्ध है, रेवन ब्लैक और लुमिना ब्लू। ये हमारे पास ब्लू वाला है, नीला वाला। अभी कैमरा मॉड्यूल बात करेंगे आगे। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि इस वाले फोन में क्या है, जो बेस वेरिएंट है ना, 128GB स्टोरेज के साथ प्रारंभ होता है और स्टोरेज जो है वो भी UFS 2.2 है। तो बजट श्रेणी में मोस्टली स्मार्टफोन आपको 64GB स्टोरेज ही प्रदान कर रहे हैं, तो ये एक विशेष बात लगी IQ Z6 44 वॉट में, या फिर कहें IQ Z6 4G में। बाकी स्नैपड्रैगन 680 क्या है, इस मूल्य में हर दूसरे स्मार्टफोन में आपको मिल रहा है, डिसेंट परफॉर्मिंग चिपसेट है, रेगुलर यूसेज में मतलब साधारण कार्यों के लिए अच्छा चिपसेट है। बाकी कौन सा स्मार्टफोन किस प्रकार परफॉर्म करेगा ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कौन सी ब्रांड किस प्रकार अपने UI को, सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज करती है। जैसे कि मोटो के साथ हमारा अनुभव 680 के साथ ही बहुत अच्छा रहा है और इसके साथ अभी हम थोड़ा टेस्ट कर रहे हैं तो कुछ समय के पश्चात ही आपको बता पाएंगे। ये एंड्रॉइड 12 पे चलता है, साथ में फंटच OS 12 का सपोर्ट मिलता है और ये एक्सटेंडेड रैम वाला फीचर भी मिल जाता है इसमें। बाकी फंटच OS 12 में आपको फीचर्स अच्छे खासे मिल जाते हैं। यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं तो लगभग 10 प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलते हैं थर्ड पार्टी, इन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे ये वाला फोन जो है देखने में थोड़ा अलग लगा भाई, जो आज के समय पे आ रहा है ना, देख सकते हैं ये काफी बड़ा सा यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल है। नीचे जो है इसमें दो कैमरा है, मैक्रो डेप्थ और ऊपर वाले में प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का। ये वाला जो डिजाइन है, कैमरा मॉड्यूल है, आपको कैसा लगा? व्यक्तिगत रूप से भाई मुझे अच्छा लगा, बहुत से लोगों को नहीं अच्छा लग रहा। बिल्लू से पूछा कि कैसा लग रहा है तो वो बोले कि ये थोड़ा अजीब लगा, बट व्यक्तिगत रूप से मुझे थोड़ा अलग और अच्छा लगा। ऐसे पीछे से देख के लगता भाई बहुत महंगा फोन है, प्रीमियम फोन है। और बिल्ड जो है ना, प्लास्टिक बिल्ड है, ऐसे कुछ चमकता सा रहता है इसमें पीछे, मैं दिखा रहा हूँ, संभवतः आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। बिल्ड ऐसे चीप नहीं लगती भाई, बहुत अच्छी लग रही है और पतला सा फोन है, लाइट फोन है और कॉम्पैक्ट फोन है। डिजाइन बिल्ड व्यक्तिगत रूप से मुझे अच्छा लगा। फ्रंट में नॉच मिलती है, साथ में AMOLED डिस्प्ले मिलती है। ये क्या है भाई साहब? जी हाँ, यहाँ पे इन डिस्प्ले स्कैनर मिलता है इस वाले स्मार्टफोन में। इस मूल्य पे मोस्टली ब्रांड्स आपको ये फीचर भी नहीं दे रही हैं, तो ये भी USP में काउंट होगा। 6.44 इंच की एक फुल HD प्लस स्क्रीन है, AMOLED डिस्प्ले है। जो यहाँ पे रिफ्रेश रेट है ना, वो 60Hz का है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बेटर हो सकता था भाई। आज के समय पे बाजार में 90Hz चल रहा है, 60Hz ना अब थोड़ा ऐसे धीमा लगता है, जिटरी सा लगता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इस मूल्य पे बहुत से स्मार्टफोन आ रहे हैं जो 4G वाले हैं, उनकी अपनी अपनी विशेषता है अलग अलग ब्रांड्स के फोन की, और इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं अपनी। तो अभी क्या है कि आपके पास कुछ और विकल्प भी आ चुके हैं। जो कैमरा मिलता है इसमें प्राइमरी वाला, वो 50 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो डेप्थ। फ्रंट कैमरा जो है 16 मेगापिक्सल का है। भाई इस वाले फोन का जो सेल्फी कैमरा है ना, इसने बहुत ही प्रभावित कर दिया भाई हमको। अभी कुछ स्मार्टफोन्स के साथ मैं इसके कैमरा की तुलना कर रहा हूं और वीडियो आपको प्राप्त होगी अति शीघ्र। तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को अवश्य बजाएं, और यदि अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो कर दीजिए। इस मूल्य पे मैंने सेल्फी कैमरा से इतनी अच्छी डिटेल्स की अपेक्षा नहीं करी थी, परंतु यहां पे अच्छी डिटेल्स मिल रही हैं। बाकी
डायनेमिक रेंज और लो लाइटिंग परफॉर्मेंस जो है ना वो इस मूल्य पे जैसे थोड़ा एवरेज ही रहती है ना वैसी है, परंतु कुछ इमेजेस जो मैंने क्लिक करी है अभी तक ना उसके आधार पे बोल रहा हूँ सेल्फी कैमरा वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है इस मूल्य पे। बाकी बातें आपको कंपैरिजन में जानने को मिलेंगी। रियर कैमरा में क्या है कि थोड़ा सा बूस्टेड कलर्स आते हैं, थोड़ा सैचुरेटेड कलर्स, साथ में स्किन टोन्स को थोड़ा वार्म करता है जब आप मनुष्यों के चित्रों को चिटकाते हैं तो अर्थात क्लिक करते हैं तो। जो इसका कैमरा यूआई है ना ये वीवो की वी सीरीज जैसा है, जो भी V23 और V23 प्रो आया ना वैसा है। फ्रंट कैमरा से 1080p 30fps तक की वीडियो शूट कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार की क्वालिटी मिलेगी। और रियर कैमरा से भी 1080p 30fps और 720p पे 60fps में वीडियो शूट कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार की क्वालिटी मिलेगी। हालांकि रियर कैमरा में आपको स्टेबिलाईजेशन भी मिल जाता है EIS की सहायता से। अरे एक USP और है भाई साहब, यहाँ पे 5000mAh की बैटरी मिलती है। 5000mAh की बैटरी तो बहुत से स्मार्टफोन ऑफर कर रहे हैं, परंतु यहाँ पे 44W की अर्थात 44W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है ये फोन, जो कि विशेष है। मोस्टली ब्रांड्स यहाँ पे 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। वैसे चार्जिंग का टेस्ट अभी तक मैंने नहीं किया है इस फोन को उपयोग करते हुए ना, अभी 2 ही दिन हुए और इसे मैंने अभी अपना प्राइमरी फोन भी नहीं बनाया क्योंकि दूसरे फोन की टेस्टिंग चल रही है। तो अभी दूसरे स्मार्टफोन के साथ कंपैरिजन करूंगा ना तो वहां पे आपको सभी स्टैट्स प्राप्त हो जाएंगे। तो अब मैं यदि बात करता हूं कि मेरे क्या विचार हैं IQ Z6 44W या फिर वीवो T1 के बारे में, तो अभी मेरा कोई स्ट्रांग ओपिनियन नहीं बना है इसके बारे में। इस मूल्य पे आने वाला एक डिसेंट स्मार्टफोन है, ऐसा स्मार्टफोन है जो कि आपको कुछ विशेष चीजें दे रहा है, जैसे कि इन डिस्प्ले स्कैनर दे रहा है, 44W की फास्ट चार्जिंग दे रहा है, परंतु ठीक उसी समय कुछ चीजें कम भी दे रहा है, जैसे कि अल्ट्रावाइड सेंसर नहीं मिलता इसमें आपको, और संभवतः इसमें स्पीकर भी जो ना सिंगल है। जी हाँ, सिंगल स्पीकर है इसमें। बाकी डिस्प्ले में नॉच भी मिलती है वैसे, मतलब बताना पड़ता है वैसे तो दिख रहा है आपको। हाँ, यहाँ पे जो सिम ट्रे मिलती है ना, यहाँ पे डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट है, ये अच्छी बात है। क्या कि बजट में कई बार लोग ना इससे ढूंढते हैं। तो अभी कुछ और स्मार्टफोन साथ थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इसका और टेस्ट करेंगे, उसके पश्चात मैं आपको बता पाऊंगा कि हाँ भाई ये वाला फोन कहाँ स्टैंड करता है, इसको लेना सही रहेगा या फिर दूसरे विकल्प की तरफ जाना सही रहेगा। तो ये सारी बातें आपको कुछ समय के पश्चात जानने को मिलेंगी क्योंकि थोड़ा टेस्टिंग में टाइम लगता है भाई। वैसे आपके क्या विचार हैं इसके बारे में, आप भी टिप्पणी के माध्यम से अवश्य बता सकते हैं। और ये जो रीब्रांडिंग हो रही है, अलग अलग ब्रांड्स रीब्रांड कर रहे हैं, इसके बारे में क्या विचार हैं वो भी बता सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किस वाले स्मार्टफोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।